नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। मौलिक अधिकारों के हमने पिछले वीडियो में तीन अधिकारों के बारे में डिस्कस किया था। बच्चों, कौन कौन से अधिकार के बारे में डिस्कस किया था? पहला है आपका समानता का अधिकार। समानता के अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मिलता है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक जिस अधिकार का उल्लेख मिलता है, इसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार पढ़ा था? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का जो अधिकार है बच्चों, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक मिलता है। मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई है, जिसमें एक स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है और अभी वर्तमान में आपकी स्वतंत्रताएं रह गई है 6, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अनुच्छेद 19 को एक बार और देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 क्या है बच्चों? अपराधी की दोष सिद्धि। अपराधी की दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 20 में बताया गया है। क्या बताया गया है कि किसी भी अपराधी जिसको सजा दी जा रही है, तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता अगर उस समय प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया। किसी भी व्यक्ति को जब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस समय प्रचलित कानून का उसने उल्लंघन नहीं किया हो। बच्चों, उसके बाद आता है, क्या आता है कि अगर उस अपराधी ने एक ही अपराध के लिए दो बार दंड नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 20 में कहा गया है एक ही अपराध के लिए दो बार दंड नहीं दिया जा सकता है और उस समय प्रचलित कानून का अगर उसने उल्लंघन नहीं किया है तो उस व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। और तीसरा है, वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपना अपराधी घोषित तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उस समय प्रचलित कानून, यहां पर बात किसकी आई? दोहरे दंड की। किसकी बात आई? दोहरे दंड की बात आई कि किसी भी एक अपराध के लिए बच्चे को दो बार दंड नहीं दिया जा सकता। यहां पर बात आई कि अगर व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसको देखना पड़ेगा कि उसने कानून का उल्लंघन तो नहीं किया है। इसके अलावा बंदी प्रत्यक्षीकरण का नाम सुना होगा बच्चों। किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में उपस्थित करना होगा। तो ये अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण हमारा भारतीय संविधान देता है। अब इसके बाद आता है बच्चों अनुच्छेद 21। क्या आता है? अनुच्छेद 21। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था अनुच्छेद 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। बताया था प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 21 में और इसी 21 में 21A जोड़ा गया और शिक्षा का अधिकार जो है समस्त नागरिकों को प्रदान किया गया। अब बच्चों बात यह आती है अनुच्छेद 22 में क्या है। अनुच्छेद 22 में देखो बच्चों क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में
संरक्षण की बात कही गई है। क्या कहा गया है? किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को कानून की सहायता वो व्यक्ति क्या ले सकता है? कानून की सहायता ले सकता है, और इसके अलावा उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा और बताना होगा कि इसे किस कारण से बंदी बनाया गया है। तो गिरफ्तारी के संबंध में कारण प्रस्तुत करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर गिरफ्तार किया गया है वो कानून का सहारा ले सकता है। ये आपका अनुच्छेद 22 में देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों, अनुच्छेद 22 में एक बात कही गई है बच्चों, वो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है निवारक निरोध। क्या है? निवारक निरोध क्या है? निवारक निरोध बच्चों ध्यान से सुनना, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार 12th में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो बच्चों, निवारक निरोध में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पर गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण तो क्या है, अपराध कर दिया, लेकिन यहाँ पर कहना चाह रहा है अपराध को रोकना है। अपराध को क्या करना है? रोकना है। तो अपराध को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? उससे पहले ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ेगा, अपराध को रोकना पड़ेगा। गिरफ्तार करना पड़ेगा, अपराध को रोकना पड़ेगा, इसके लिए निवारक निरोधक आया। निवारक निरोधक का मतलब यही था कि मान लो कोई व्यक्ति अराजक तत्व, तस्करी, इसके अलावा आतंकवाद जैसी गतिविधियां करता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही है, तो उस समय उस व्यक्ति को अपराध करने के रोकने के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के उसको 3 महीने तक गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 महीने तक गिरफ्तार किया जा सकता है निवारक निरोध के अंतर्गत। तो आपने देखा अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण देता है, और इसी गिरफ्तारी के संबंध संरक्षण में निवारक निरोध की बात कही गई है। ये अपराधी के बाद संरक्षण देता है, अपराध करने के बाद संरक्षण देता है, जबकि निवारक निरोध अपराध आपने किया नहीं लेकिन अपराध करने से रोकने से पहले ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 3 महीने तक उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा है, आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है, तस्करी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर 3 महीने से ज्यादा गिरफ्तार करना है तो एक परामर्श संस्था का निर्माण किया जाएगा, और अगर इस परामर्श संस्था ने अनुमति दे दी कि इसको 3 महीने से ज्यादा गिरफ्तार किया जा सकता है तो इस व्यक्ति को आगे भी गिरफ्तारी दी जा सकती है। तो आपने देखा 3 महीने तक गिरफ्तार रह सकता है। परामर्श संस्था जिसमें एक जज शामिल होता है, इस परामर्शदात्री संस्था की अनुमति से 3 महीने से ज्यादा भी इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब निवारक निरोध को स्थायी बनाने के लिए हमारे यहाँ पर कौन सा अधिनियम आया बच्चों, वो देख लेते हैं हम कि इसके लिए हमारे देश में कौन कौन सा अधिनियम आया जिसने निवारक निरोध जो अधिनियम है या निवारक निरोध की व्यवस्था को जारी रखा। आप जानते हो बच्चों राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नाम भी सुना होगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया। 2 अधिनियमों की बात करते हैं, बाकी अधिनियम आए लेकिन आकर चले गए, लेकिन निवारक निरोध के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्या आया बच्चों? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है।
राष्ट्रीय सुरक्षा जो अधिनियम आया बच्चों, वो आया आपका, इसके लिए अध्यादेश लागू हुआ 1980 में, और इसमें कहा गया कि कोई गैर सरकारी, गैर राष्ट्र की सुरक्षा को खंडित करने वाला कोई भी कार्य होने पर किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बात इस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कही गई, और इस अधिनियम में 1984 में एक और अध्यादेश इसमें लागू हुआ, और इसमें भी ये बात कही गई कि राष्ट्रीय एकता को नुकसान करने वाली कोई भी गतिविधि होती है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसे निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार करना पड़ेगा। इसके अलावा एक आया गैर कानूनी गतिविधियां, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम आया 2004 में कोटा के स्थान पर, किसके स्थान पर, कोटा के स्थान पर एक जो अधिनियम आया बच्चों, उसका नाम था गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 2004। अगर कोई विदेशों से तस्करी करता है तो तस्करी करने पर जो कानून आया, आतंकवाद गतिविधियों को रोकने के लिए जो कानून आया, वो था आपका गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, या तस्करी जो हमारे देश में बढ़ती जा रही थी उस तस्करी को रोकने के लिए 2004 में ये अधिनियम बच्चों आपके सामने आता है। तो ये अनुच्छेद 22 के बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, निवारक निरोध के बारे में मैंने आपको बताया। अब बच्चों बात आती है हमारा जो नेक्स्ट अधिकार है बच्चों, उस अधिकार का नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है बच्चों, उसमें दो अनुच्छेद आते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं? दो अनुच्छेद आते हैं। एक आता है अनुच्छेद 23 और एक आता है आपका अनुच्छेद 24। दो आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 और 24 में, 23 में बलात्कार की बात कहता है और 24 में बाल श्रम की बात जो है ये अधिनियम कहता है। तो देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो आपका अधिकार है वो आता है कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या बात कही गई है? देखो बच्चों, शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कहता है कि जब आपको पता है मजदूरी नहीं मिल रही है, एक समान मजदूरी नहीं मिल रही है, बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वो हमारा अधिकार है कि हम उसके विरुद्ध शिकायत कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, व्यक्ति का व्यक्ति के विरुद्ध, व्यक्ति का व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार है बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मिलता है आपका 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 क्या कहता है बच्चों? अनुच्छेद 23 क्या बात कहता है? अनुच्छेद 23 वो देखो, बलात्श्रम की बात कहता है। क्या कहता है? बलात्श्रम की बात कहता है। किसी भी व्यक्ति का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, किसी के साथ जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता, किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, किसी से को, हाँ ये हो सकता है कि राज्य सरकार कोई अनिवार्य कार्य करवा रही हो व्यक्ति से, लेकिन उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आप जो है किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। तो ये बात आती है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 23 जो कहता है वो बात करता है बच्चों बलात्श्रम की, बलात्श्रम की, व्यापार किसका, पुरुष या स्त्री, इन दोनों में से किसी का भी व्यापार या क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति से बिना मजदूरी के मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, अगर मजदूरी करवाई जाती है तो उसको उसका पैसा देना पड़ेगा। ये बात आती है आपके कौन से अधिकार में? शोषण के विरुद्ध
अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये बात कही गई है बच्चों। उसके बाद आता है बाल श्रम। बाल श्रम में ये बात कही गई है बच्चों कि छोटे बच्चे से किसी भी प्रकार का कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता। छोटे जो 14 वर्ष से कम वाली जो आयु के बच्चे हैं, उनसे किसी कारखाने या खदान में काम नहीं करवाया जा सकता। ये कहता है आपका अनुच्छेद 24। और इसके लिए बाल श्रम अधिनियम आया 2005 में, उसमें घरेलू और ढाबों और रेस्तरा में भी काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो यहाँ पर बालकों की सुरक्षा की बात आती है और यहाँ सभी लोगों के शोषण की बात आती है। ये कहता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में है। नेक्स्ट है बच्चों आपका धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को हम 4 भागों में बांट सकते हैं बच्चों। 25 से 28 तक जिसका उल्लेख है वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। क्या है इन अनुच्छेदों में? देखो यहां पर कह रहा है अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। यहां पर कह रहा है धर्म का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। यहां पर कह रहा है, क्या कह रहा है यहां पर? अनुच्छेद 27 ये कह रहा है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आप कर सकते हो, धर्म का प्रबंधन यहां पर कर सकते हो। यहां पर अनुकरण की स्वतंत्रता दी गई है। यहां पर कही गई है, क्या बात कही गई? अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 27 धार्मिक संस्थाओं में करों की छूट। और इसके अलावा अनुच्छेद 28 में अल्पसंख्यकों को संरक्षण, अल्पसंख्यकों को धार्मिक संरक्षण की बात कर सकते। अब देखो इनमें है क्या बच्चों? देखो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 4th मौलिक अधिकार है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक मिलता है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब है आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, किसी भी धर्म के रीति रिवाजों को स्वीकार कर सकते हो, किसी भी धर्म के रास्ते पर चल सकते हो। ये आपको अधिकार है, कोई व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये कहता है बच्चों आपका अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 कहता है किसी भी धार्मिक संस्था की आप क्या कर सकते हो? धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हो। आप किसी भी धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हो। आप इसके लिए किसी कहीं पर भी जमीन ले सकते हो, किसी भी धार्मिक संस्था को क्या कर सकते हो? सहायता दे सकते हो। इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। यहां पर ये कह रहा है धार्मिक संस्थाओं को दान दे रहे हो तो आप पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जा सकता। आप जो धार्मिक संपत्ति है उसका क्या कर सकते हो? क्रय और विक्रय कर सकते हो। इस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब यहां पर आती है अल्पसंख्यकों को संरक्षण। आप बात यह है किसी भी धार्मिक संस्था अगर राज्य सरकार द्वारा संचालित है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस और जहां पर ये शिक्षण संस्थाएं हैं वो जो राज्य सरकार द्वारा अनुदानित है वहां पर जाति लिंग आदि के आधार पर
एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार द्वारा संचालित जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उन धार्मिक संस्थाओं में जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की निधि से जो संस्थाएं चल रही है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात कही गई है अनुच्छेद 28 में। और कहीं पर भी अगर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उसको जाति रंग लिंग आदि के आधार पर प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता और किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात कहता है आपका अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, प्रचार करने और धार्मिक रीति रिवाजों पर चलने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 धर्म का प्रबंधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 धार्मिक संस्थाओं में करों की छूट प्रदान करता है और अनुच्छेद 28 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का और अपने धर्म की संस्थाओं की स्थापना करने का और राज्य द्वारा किसी भी प्रकार से उनमें हस्तक्षेप न करने की बात, अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात कही गई है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी एक धार्मिक संस्था को स्थापित कर सकता है लेकिन वहां पर जाति रंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इन अल्पसंख्यक संस्थाओं को सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा सकता है। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो आपने चौथा अधिकार जो पढ़ा बच्चों, वो पढ़ा आपने कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब बच्चों जो पांचवा आपका अधिकार है वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। क्या है इसमें वो देखते हैं बच्चों। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार का उल्लेख बच्चों अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दो बात कहता है बच्चों। अपनी शिक्षा और संस्कृति का प्रसार और प्रचार आप कर सकते हो। अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात ये दोनों अनुच्छेद करते हैं। देखो बच्चों, छठा पांचवा जो आपका मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति के अधिकार में बच्चों दो अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे। एक है आपका अनुच्छेद 29 और एक है आपका अनुच्छेद 30। अब आपके अनुच्छेद 29 में क्या है और अनुच्छेद 30 में क्या है वो देखो। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा व संस्कृति या शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने की क्या दी गई है? छूट दी गई है। क्या कहा गया है अनुच्छेद 29 में? अल्पसंख्यकों को संरक्षण। क्या कहा गया है? अल्पसंख्यकों को क्या दिया है? संरक्षण दिया। अल्पसंख्यकों को संरक्षण की बात जो है अनुच्छेद 29 कहता है और अनुच्छेद 30 कहता है अपनी शिक्षा व संस्कृति का क्या कर सकते हैं? प्रचार कर सकते हैं। अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये बात आपके अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में कही गई है। अब बात आती है बच्चों अनुच्छेद कौन सी? आपका अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या नाम है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी थोड़ी बातें मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है बच्चों इसमें क्या बात कही गई है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कहा गया है कि अगर पांचों जो अधिकार है
वो अगर आपके पूरे नहीं हो रहे हैं तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। अगर आपके किसी अधिकार की पूर्ति नहीं हो रही है, उसमें बाधा आ रही है, तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बिना संविधान शून्य हो जाता है, अधिकारों का कोई औचित्य नहीं रहता। ये बात हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और उन्होंने कहा कि ये संविधान का हृदय और आत्मा है। तो आज हमने मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा व संस्कृति के अधिकारों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप चाहते हैं कि कक्षा 12 की भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति को मैं आपको पढ़ाऊं, तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुने, पढ़े और जो बोर्ड पर लिखाए हुए नोट्स हैं उनको ध्यान से सुने, साथ में जो बुक है उसको पढ़ते जाइए, ताकि आपकी जो COVID-19 की वजह से जो बाधा आ रही है पढ़ने में, जो असुविधाएं हो रही है, उससे आप दूर हो जाएंगे। मेरे वीडियो को आप लगातार देखते जाइए, डेली मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और आप इनको पूरा वीडियो आप देखें। जितने ज्यादा आप वीडियो देखेंगे आपको संविधान समझ में आएगा। और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए और जितने ज्यादा हो सके व्यूज दीजिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।